तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी अंडे का हलवा। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स देख कर आपको अंदाज़ा हो गया कि अंडे की कुछ बनने लगा, तो हम आज अंडे का बहुत ही क्विक सा, बहुत ही सिंपल सा हलवा बनाएंगे जो बड़े 2 से 3 इंग्रेडिएंट के साथ बन जाता है। तो ये हलवा आप नाश्ते में बना सकते हैं, और या आपका जब कुछ मीठा खाने को दिल हो तो ये हलवा आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 टेबलस्पून अपने ऑयल ले लेने हैं, साथ हमने 1 कप जो है वो दूध ले लिया है, और साथ हमने 3 अंडे ले लिए हैं, और साथ ही हमने उसके 5 से 6 जो है टेबल स्पून है हमने चीनी ले ली है। तो हम अब पहले इसका करेंगे कि अंडे हम फेंट लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। हाँ जी, अंडे हमने यहाँ पर फेंट लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्राई पैन अपनी हल्की सी फ्लेम जो है इसकी जला लेनी है, चूल्हे पे तेज़ फ्लेम पर ही नहीं बनाना। हम ऑयल डाल लेंगे पहले, उसके बाद हमने सारी चीज़ें इसके साथ पहले ऐड कर देनी है। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, साथ ही हमने जो अंडों का मिक्सचर बनाया था उसको ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे, और इन चीज़ों को डालने के बाद हम इनको चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि सारा मिक्सचर सही से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और मिक्स हो जाए। इस तरह आपको मिलाते जाना है मिक्सचर, बिल्कुल जैसे फेंटते हैं ऐसे ऐसे अपने करते रहना और ये मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, हमने मिक्स कर लिया था, और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बनना स्टार्ट हो गया, हर चीज़ मिक्स हो गई थी। ये अब ऐसे जो से बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपने मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाना है। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो अब तकरीबन हमारा तब हलवा तैयार होगा। हाँ जी, तो कुछ इस तरह से ये हलवा तैयार हो जाएगा, ऐसे आपको बना बना तैयार लग जाएगा। आपने मुसलसल इसके अंदर चमचा हिलाना है, और फ्लेम जो है मीडियम से कम ही रखनी है। तो ये ऐसे इकट्ठा जुड़ना स्टार्ट हो गया, बस हम 2 से 3 मिनट इसके मज़ीद पकाएंगे। अगर आप चाहें तो जैसे अब ये बना हुआ है इसके अंदर आप अपने जो है गार्निश किए हुए ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं, ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, वरना जब आप सर्व करेंगे उसके ऊपर आप गार्निश किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी हम उतार के आपको दिखाते हैं। जी, तो हलवा तैयार हो गया था। अब हम इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट हमने कट किया था वो हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे भी ज़्यादा मतलब बारीक कर सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ाफ़रान ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर आप चाहें तो पकाते वक्त इलायची भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। हाँ जी, तो ये हलवा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये सिंपल सी अंडे के हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।